तो क्या सीआईडी के सीजन 2 में सीआईडी की सबसे खूबसूरत इंस्पेक्टर यानी कि इंस्पेक्टर पूर्वी बेहोश होने वाली है? कौन करने वाला है इंस्पेक्टर पूर्वी को बेहोश? क्या बेहोशी की हालत में पूर्वी जो है वो अगवा भी हो सकती है? दरअसल सीआईडी के सीजन 1 में आपने पूर्वी को डांस करते हुए पार्टियों में जाते हुए देखा होगा, क्योंकि पूर्वी जो है वो भेष बदलने में माहिर है और सीआईडी को जब भी किसी मुजरिम को पकड़ना होता है तो पूर्वी, दया, अभिजीत, यहाँ तक कि सचिन, ये सब अपना भेष बदलकर उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो क्रिमिनल इनके जाल के अंदर फंस जाए। ऐसा ही कुछ हमें सीआईडी के सीजन 2 में भी देखने को मिलेगा दोस्तों, जहां पर इंस्पेक्टर पूर्वी, दया, पंकज और सचिन ये चारों गए हैं एक क्लब के अंदर, जहाँ पर चारों अलग अलग जगह पर अकेले बैठ कर अपना सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं, कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं और पूर्वी जो है वो अचानक से, पूर्वी को ऐसा लगता है कि उसका दिमाग घूमने लगा है और वो धड़म से नीचे गिर जाती है। सीआईडी के बाकी मेंबर्स जाकर देखते हैं कि आखिर पूर्वी को हुआ क्या है। तो क्या वो क्रिमिनल सतर्क हो गया है जो आने वाला था उस क्लब के अंदर? क्या उसी ने या फिर उसके आदमियों ने जानबूझकर पूर्वी के ड्रिंक्स में नशीली दवाइयाँ मिलाई थी? क्या वो सीआईडी को धमका रहा है? इंतज़ार करते हैं सीजन 2 का।